हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गीतांश आईटी क्लास में। मैं हूँ सुनील कुमार और हम पढ़ रहे हैं ओ लेवल कोर्स का मॉड्यूल 1, जिसका नाम है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। इसका आज हम चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर को कम्प्लीट कर लिया था, जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर था। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, विंडोज़ 10 क्या है, क्योंकि जो नई सिलेबस है, इस नई सिलेबस के अकॉर्डिंग विंडोज़ 10 को पढ़ना है। हम इसको समझेंगे, विंडोज़ 10 क्या है, और इंटरफेस को भी समझेंगे। इंटरफेस दैट मीन्स व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब क्या है, और डेस्कटॉप समझेंगे, आइकन, आइकन्स के टाइप को भी समझेंगे, एंड फाइल एंड फोल्डर को भी समझेंगे। कैसे फोल्डर क्रिएट करना होता है, फाइल कैसे क्रिएट होता है, फाइल का नाम क्या होता है। तो बहुत सारे आज हम रूल्स सीखने वाले हैं और बहुत सारे हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सॉफ्टवेयर टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप को देखा था। तो बहुत सारे टाइप्स में क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 3 टाइप्स थे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, जिसे हम लैंग्वेज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, ये बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है। इट वर्क्स एज इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। दैट मीन्स कि यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्यूटर के पास पहुंचाना, और कंप्यूटर ने जो भी रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन दिया उसको फिर से यूज़र के पास पहुंचाना। तो ये जो काम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। एंड फुल कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम, और पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है और बहुत सारे टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है, मतलब एक साथ सबको एग्जीक्यूट करता है और इसका मैनेजमेंट भी करता है। आइए हम इसको डायग्राम से भी समझे। हमने उस टाइम भी जब चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, उस टाइम जब हम सॉफ्टवेयर का बताए थे, तो उस टाइम भी मैंने इस डायग्राम को दिखाया था, जहाँ पे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में है। हार्डवेयर दैट मीन्स कि कंप्यूटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि जो यूज़र है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है सबसे पहले। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे आपको बैंक से कुछ पैसे निकालने हैं, तो आप डायरेक्ट जाके बैंक मैनेजर से नहीं कहोगे कि आप मुझे पैसा दे दो। वहाँ पे आप जाने के बाद क्या करेंगे कि एक फॉर्म फिलअप करेंगे, विड्रॉ फॉर्म, जिसमें आप अपना अकाउंट नंबर, विड्रॉ कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, वो सारे आप इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर फिल करेंगे, फिर जाकर आप काउंटर पे सबमिट करते हैं। फिर जो भी एम्प्लॉय काउंटर पे होता है वो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर सिस्टम में उस इंफॉर्मेशन को फिल करता है, फिर आपको पैसे निकाल कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे और जो बैंक एम्प्लॉय है उसके बीच में एक आता है एप्लीकेशन, यानी कि हमारा जो फॉर्म हम भरते हैं उस फॉर्म की बात हो रही है। तो यूज़र जो है वो एक किसी न किसी एप्लीकेशन के थ्रू अपने रिक्वायरमेंट को उस फॉर्म में रखता है और फिर वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र करता है। ठीक वैसे ही यूज़र जो है वो सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है, और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जाता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के पास कि अब वो डिसाइड करेगा कि किस हार्डवेयर से, किस पार्ट से हमें वो काम करवाने हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा, और जब कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया तब हम उसमें अपने प्रॉब्लम को डालेंगे, और फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वो सीपीयू के पास भेजेगा उस प्रॉब्लम को, और सीपीयू उस प्रॉब्लम का रिजल्ट तैयार करेगा। देन रिजल्ट तैयार करने के बाद फिर ये रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास सबसे पहले ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के पास आएगा, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास रिजल्ट आएगा, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से
यूज़र वहाँ से अपने डेटा को रिट्रीव करेगा। दैट मीन्स अगर मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा है तो वहाँ से वो रिजल्ट को देख सकता है। और बहुत सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिख रखा है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, मल्टी यूज़र मीन्स कि एक कंप्यूटर पे हम बहुत सारे यूज़र को यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि बहुत सारा टर्मिनल बन चुका है और हर टर्मिनल पे बहुत सारे यूज़र एक टाइम पे वर्क कर रहे हैं, अलग अलग अपना अपना वर्क कर रहे हैं। तो एक टाइम पे बहुत सारे यूज़र वर्क जिस सॉफ्टवेयर पे कर रहे होते हैं उसे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। मल्टी प्रोसेसर मीन्स कि एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेसर को, बहुत सारे सीपीयू को वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, तो उसे हम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड का मतलब होता है कि अगर कोई डिवाइस बन रहा है, कोई मशीन बन रहा है, तो उसी के अंदर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पहले से ही रहता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, वैसे मशीन को हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि पहले, बहुत पहले जो छोटा वाला फ़ोन आता था जिसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर था, तो जो सॉफ्टवेयर उसमें डल गया है वही रहता था। लेकिन आजकल का जो फ़ोन आ रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन, उसमें हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को हम बार बार चेंज कर सकते हैं, तो वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएगा। तो जो मशीन, जो डिवाइस पहले से उसमें सॉफ्टवेयर डला हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही उसमें सॉफ्टवेयर जो डाल दिए जाते हैं, उस मशीन पे जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वर्क करता है उसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। फोर्थ नंबर जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। रियल टाइम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मौसम विभाग वाले यूज़ करते हैं, जैसे हमारा अभी रियल टाइम में क्या प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि अभी रियल टाइम में क्या कैसा टेम्परेचर है इसका मेजरमेंट करना, या फिर अभी तूफान आने वाला है नहीं आने वाला, कैसा भी सिचुएशन है, अभी रियल टाइम का सिचुएशन को फाइंड आउट करने के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम एक जगह से बहुत सारे जगहों पे जो कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल है, जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, हम उसको एक जगह से मैनेज कर सकते हैं, वैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि बहुत अलग अलग सिटी में हमारा ब्रांच है और हम एक जगह से उन सभी को मैनेज कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है कि अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और हम एक सेंट्रल जगह से हम उन सबको हैंडल कर रहे हैं, तो वैसे सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिक्स नंबर जो है वो है बैच ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। बैच ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि सिमिलर टाइप का जो भी काम होगा वो एक टाइम पे परफॉर्म होता है। जैसे कि हमें एडिशन वाला काम परफॉर्मेंस करना है, तो एडिशन वाले जितने भी टास्क होंगे वो एक टाइम पे परफॉर्म होंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन वाला है तो पहले एडिशन वाला होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला होगा, यानी कि इसमें बैच के अकॉर्डिंग ऑपरेशन होता है। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पहले यूज होता था, अब ये बहुत कम यूज होता है, बहुत ही रेयर ही इसका यूज है। और बहुत सारे डिवाइस के ऊपर भी डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिपेंडिंग ऑन पार्टिकुलर डिवाइस लाइक फ़ोन। अब फ़ोन की बात की जाए तो फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, अभी तो बहुत ही ट्रेंड में एंड्रॉयड चल रहा है, क्योंकि हर फ़ोन में एंड्रॉयड आ चुका है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो हर फ़ोन में यूज़ हो रहा है। अगर एप्पल की फ़ोन की बात की जाए तो उसमें जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम होता है iOS, जिसे हम लोग आईफोन भी कहते हैं। आईफोन मीन्स कि जो उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो iOS है। और हम एंड्रॉयड फ़ोन कहते हैं जो कि नॉर्मल जो फ़ोन होता है, जैसे MI का फ़ोन हुआ, सैमसंग का फ़ोन हुआ, तो जो ये सब नॉर्मल फ़ोन होते हैं उसको हम एंड्रॉयड फ़ोन भी कहते हैं। हम एंड्रॉयड फ़ोन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। एंड्रॉयड के पहले ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो चल रहा था वो जावा था। जावा बहुत ही ट्रेंड में था उस टाइम, एंड्रॉयड आने से पहले। उसके बाद कुछ ऐसे भी फ़ोन है जिसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि नोकिया कंपनी का जो भी फ़ोन आ रहे हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। अब हम डेस्कटॉप लैपटॉप की बात कर ले तो जो हम नॉर्मल डेस्कटॉप लैपटॉप यूज़ करते हैं उन सारे कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है, इसे हर कोई जानता समझता है, इसलिए ये बहुत ही
यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। एक और सॉफ्टवेयर है लिनक्स, जो कि ये भी बहुत ही इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा विंडोज़ के कंपैरिजन में इसका ऑपरेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कमांड यूज़ किए जाते हैं। बट ये भी यूज़र फ्रेंडली है, ये भी GUI होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसको भी यूज़ करना ईजी है। तो अब विंडोज़ और लिनक्स आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर में देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की क्या क्या फंक्शनैलिटी है, ये क्या क्या वर्क करता है। फर्स्ट फंक्शन जो है वो है प्रोसेसर मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि बहुत सारे प्रोसेसर अगर एक कंप्यूटर से अटैच है तो उसको कैसे मैनेज करना है, कब किस प्रोसेसर का यूज़ करना है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ये डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेसर को कब यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कंप्यूटर में एक प्रिंटर भी अटैच है और एक स्कैनर भी अटैच है, तो हम प्रिंट दे दिए, मान लीजिए कि हमने 100 पेज प्रिंट आउट करने के लिए दे दिया, तो प्रिंटर का काम हो गया अब 100 पेज प्रिंट आउट करना। लेकिन अब क्या है कि हम उसी टाइम पे स्कैन करना भी चाहते हैं या फिर कोई हम अदर टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रिंट करने की प्रोसेस अलग हो गई, वो अलग प्रिंट आउट कर रहा है तो उसको भी मैनेज करना है, और हमें जो स्कैनिंग करने वाला काम है उसको भी करना है। तो एक टाइम पे दोनों प्रोसेसर को कैसे मैनेज करना है ये कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। और ये इसकी एक बहुत ही विशेष फंक्शनैलिटी है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की, कि ये प्रोसेस को मैनेजमेंट करेगा, बहुत सारे प्रोसेसर को एक साथ मैनेज कर सकता है। सेकंड जो है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। दैट मींस कि वो मेमोरी को मैनेज करेगा, जैसे कि हमने कोई डेटा लिखा तो उस डेटा को किस मेमोरी में स्टोर करना है, कब उसको प्राइमरी मेमोरी में लाना है, कब उसको सेकेंडरी मेमोरी में रखना है, तो इन सब का मैनेजमेंट जो करता है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि कोई हमने टेक्स्ट लिख रहा है तो टेक्स्ट अभी लिख रहे हैं, अभी एप्लीकेशन ऑन है तो वो रैम में अभी स्टोर होगा, और जब हम इसको सेव कर रहे होंगे तो सेव करते वक्त वो क्या करेगा, तो हमारे डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देगा। फिर मेमोरी में उन सब का अरेंजमेंट भी करना होता है, तो सारा मैनेजमेंट, मेमोरी का जो मैनेजमेंट है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर करता है। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है उसका, ये है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का वर्क क्या होता है इसमें, तो अगर हम फाइल को किसी दूसरे मेमोरी या किसी दूसरे डिवाइस में शेयर कर रहे होंगे तो उस टाइम ये फाइल मैनेजमेंट वर्क करता है, कि वो प्रॉपर तरीके से फाइल को ट्रांसफ़र करे, ताकि कोई फाइल करप्ट ना हो, कोई भी डेटा मिसमैच ना हो, कोई ख़राबी ना आए, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी डेटा ट्रांसफ़र हो सके, उस टाइम पे ये फाइल को मैनेजमेंट करता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पूरा डेटा है उस डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर देता है, और हर ब्लॉक को जब डिवाइड होगा तो वायर एंड वायरलेस दोनों मेथड से अब डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा होगा, जिस भी मेथड का आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे डेटा को ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस में, जैसे कि आपने पेन ड्राइव लगाया है, या ब्लूटूथ से आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या शेयरइट से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी भी मेथड का आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके मेन फाइल को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करके नेटवर्क पे या फिर वायर के थ्रू ट्रांसफ़र करता है, तो वहाँ पे फाइल मैनेजमेंट वर्क करता है। और फिर जहाँ आप पेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे क्या होगा कि ये फिर छोटे छोटे ब्लॉक इकट्ठा होंगे और इन सबको असेंबल करेगा, असेंबल करने के बाद फिर आपके फ़ोन में वो शो करेगा कि यहाँ पे सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है आपका फाइल। तो यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट वर्क करता है जब हम एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है वो है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होगा कि कौन से डेटा को इनपुट करना है, किस डेटा को आउटपुट करना है, कौन से डिवाइस इनपुट डिवाइस है जहाँ से हमें डेटा को यूज़ करना है, तो इन सब का डिसाइड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर करता है। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है वो है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग मीन्स कि हमने बहुत सारे एप्लीकेशन को ऑन कर लिया है, बहुत सारा हम काम एक टाइम पे कर रहे हैं, तो उसको कैसे डिवाइड करें कि सारा काम एक साथ मैनेज हो जाए, तो टाइम शेयरिंग होता है। जो क्वांटम टाइम होता है कि हर काम को एक क्वांटम टाइम देता है और उसको राउंड राउंड बिन कंसेप्ट में उसको हर को अलग अलग टाइम पे उसको एक्सेस करते रहता है, यानी कि टाइम जो है इस प्रोसेसर का वो अपने टाइम को जितना प्रोसेस चल रहा होता है, जितना टास्क परफॉर्म हो रहा होता है, उन सभी टास्क में अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, शेयर कर देता है, और उसी को राउंड करते हुए
यूज़ करते रहते हैं और ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है, जिसके कारण हमें लगता है कि सारा काम एक साथ हो रहा है। एक्चुअली में वो एक टाइम पे नहीं हो रहा, वो हर एक क्वांटम टाइम पे एक टास्क परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये टाइम शेयरिंग बहुत ही अच्छा फीचर है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के, जिसके मदद से हम एक टाइम पे बहुत सारे वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यानी कि हमारे डेटा को ये सिक्योर करता है, प्रोटेक्शन लगाता है, ताकि कोई मालवेयर यानी कि कोई वायरस हमारे फाइल को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, या फिर कोई थर्ड पार्टी हमारे जो पर्सनल डेटा है उसमें इंटरफेयर ना करे, कोई आके हमारे फाइल को डिलीट ना करे, हमारे फाइल को बर्बाद ना करे, डिस्ट्रॉय ना कर पाए। तो इन सभी से ये प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हम इस पर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, बहुत सारा सिक्योरिटी हम लगा सकते हैं ताकि हमारे डेटा को कोई रीड ना कर पाए या फिर उसे डिलीट ना कर पाए। इस तरह के बहुत सारे हम मेथड का यूज़ करके अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर तो कर लेंगे, लेकिन इन सब का मैनेजमेंट कौन करेगा? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टास्क हैं, जिसमें से हमने 6 यहाँ पे दिखा रखे हैं, जिसमें पहला है प्रोसेसर मैनेजमेंट, जो बहुत सारे प्रोसेसर को एक साथ मैनेज करेगा। मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि डेटा को मेमोरी में कहाँ स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, इसकी फंक्शनैलिटी है, ये मैनेजमेंट कर रहा है डेटा को मेमोरी में स्टोर करने की। फाइल मैनेजमेंट में होता क्या है, तो फाइल को जब हम एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ पे फाइल मैनेजमेंट यूज़ होता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो जब किस टाइम पे कौन सा इनपुट डिवाइस वर्किंग में है, कौन सा आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस वर्किंग में नहीं है, इन सब का डिसीज़न ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लेता है। और टाइम शेयरिंग की बात करें तो मैंने अभी बताया कि हमने एक टाइम पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे हमने इंटरनेट भी चला रहे हैं, सॉन्ग भी बजा रहे हैं और कोई टाइपिंग वाला काम भी कर रहे हैं, तो सारा काम को एक टाइम पे कैसे होता है? प्रोसेसर तो एक ही है, तो वो क्या करता है कि सारे टास्क पे एक क्वांटम टाइम दे देता है, अपने टाइम को सबको शेयर कर देता है और सबके पास बारी बारी से सीपीयू जाता है और उसके काम को परफॉर्म करता है, सारे काम को वर्क करता है, जिसके कारण हमें लगता है कि सारे काम एक साथ हो रहा है। और जो स्पीड है इसका, ये माइक्रो स्पीड में वर्क करता है, जिसे इसी कारण से हम सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में तो पता है कि हम पासवर्ड वगैरह लगा के अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, मगर पासवर्ड को मैनेजमेंट करने के लिए कौन करेगा? तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में भी मदद करता है और बहुत सारे मैनेजमेंट भी खुद ब खुद करता रहता है। अब हम बात करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की। तो विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, जो अक्सर लैपटॉप और कंप्यूटर में, डेस्कटॉप कंप्यूटर में इसका यूज़ होता है। अगर फ़ोन में बात की जाए तो फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, मैक्सिमम यूज़ होने वाला जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड हर फ़ोन में आपको मिल ही जाता है, एक्सेप्शन एप्पल का एक अपना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो iOS होता है। और एप्पल की लैपटॉप की बात करें तो एप्पल का जो लैपटॉप होता है उसमें मैक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है और फ़ोन में iOS ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो हम विंडोज़ की बात करें, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है इस सिलेबस में विंडोज़ पढ़ना है, तो हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक टाइम पे एक कंप्यूटर पे एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसको कहीं कहीं आप मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग में भी परफॉर्म करते हैं। नेटवर्किंग के थ्रू क्या करते हैं, तो एक ही कंप्यूटर को बहुत सारा क्लाइंट बना देते हैं, यूज़र बना देते हैं और हर यूज़र पे अलग अलग परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो वो काम कर सकते हैं बट नेटवर्किंग के थ्रू। वैसे ये विंडोज़ एक सिंगल सिस्टम के लिए बनाया गया है, इसलिए इसे सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग कहते हैं, बट हम इसे मल्टी यूज़र में भी यूज़ कर लेते हैं नेटवर्किंग के थ्रू, इसलिए कहीं कहीं आपको मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग भी मिल सकता है। इन द सेंस व्हेन एवर वी स्टार्ट द कंप्यूटर वी विल सी विंडोज़ लोडेड इनटू कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे दिखाई देगा विंडोज़ लोडेड या स्टार्ट विंडोज़, इस तरह का कुछ लिखा हुआ आता है। जैसे कि आप फ़ोन स्टार्ट करते हो, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करोगे तो वहाँ पे एंड्रॉयड लिखते रहता है नीचे, आप देखोगे तो एंड्रॉयड लिख रहेगा, स्टार्टिंग या फिर लोडिंग, इस तरह से कुछ प्रोसेस लेता है, कुछ टाइम लगाता है
स्टार्ट होने में। तो वहाँ पे क्या होता है, तो हमारा जो हार्ड डिस्क है, जो रोम कहते हैं या फिर हार्ड डिस्क कहेंगे, तो उसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है और उसमें से डेटा निकल के रैम में यानी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। तो उस टाइम जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो वो बूटिंग टाइम होता है, जब हम कंप्यूटर को या फ़ोन को स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा होता है, लोड कर रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं बूटिंग। और जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो विंडोज़ लोड ले रहा होता है। लोड लेने का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लोडिंग हो रहा है। इट सपोर्ट मोर डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्क है, जो हमारा डिज़ायर है, हम जिस जो भी काम करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, क्योंकि हम जो सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ही इंटरेक्ट करते हैं। अगर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट ही ना करे, तो फिर वो सॉफ्टवेयर बेकार है। बट विंडोज़ जो है, ये बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है और हम विंडोज़ पे बहुत ज़्यादा काम को कर सकते हैं। जैसा आपको काम करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। जैसे ग्राफिकल वाला काम करना है तो भी आप कर सकते हो, गेम खेलना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट वाला काम करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इट ऑल्सो अ GUI, इसे हम GUI भी कहते हैं, विंडोज़ को GUI कहते हैं। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि जो यूज़र यूज़ करने वाला है वो ग्राफ के थ्रू कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। अगर MS Paint ओपन करना होता है, तो पेंट वाला जो फोटो बना हुआ होता है उस पर क्लिक करते ही पेंट ओपन हो जाता है, यानी कि ग्राफिकल सब कुछ है। फोटो इसमें दिखेगा और हम हर ग्राफिकल के मदद से काम को कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। हमें याद करने की कुछ कमांड याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। इसी कारण से इसे यूज़र फ्रेंडली भी कहा जाता है, यानी कि यूज़र को यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। लेटेस्ट विंडोज़ वर्जन की बात की जाए विंडोज़ की, तो अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है विंडोज़ 10, और यही हमारे सिलेबस में पढ़ना है। इसके अलावा भी बहुत सारे पीछे के वर्जन है, जैसे कि विंडोज़ XP हो गया, विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 8.1 है, बहुत सारे विंडोज़ के वर्जन आ चुके हैं, बट अभी का जो अपडेटेड है वो है विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 पे भी काम करना इजी है। विंडोज़ 10 जो है वो विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 10 का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को मिक्स करके एक नया वर्जन तैयार किया गया है विंडोज़ 10, जो कि बहुत ही सिंपल है यूज़ करना, बहुत ही इजी है। अब हम बात करते हैं यूज़र इंटरफेस की। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जैसे कि अभी हमने देखा GUI एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। तो इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इसे हम समझते हैं। इंटरफेस मीन्स होता है कि दो पार्ट है, जो दो साइड है, जैसे कि यूज़र और कंप्यूटर, ठीक है। हम यूज़र और कंप्यूटर एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस मीडियम क्या है हमारे कम्युनिकेशन करने का। इट टेल्स अबाउट एन इंटरफेस दैट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन करने की एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम एक दूसरे से, तो वही होता है इंटरफेस। जैसे कि हम एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, सपोज़ हमने फ़ोन से बात कर रहे हैं कहीं, तो हमारा इंटरफेस जो हो गया वो मोबाइल नेटवर्क हो गया, मोबाइल हो गया, जिसके मदद से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के दो मेथड हैं। पहला CUI, यानी कि कैरेक्टर एंड कमांड यूज़र इंटरफेस, एंड दूसरा जो है वो है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगर हम कंप्यूटर से कैरेक्टर के थ्रू, दैट मीन्स कि लिख लिख के हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपना कमांड लिख रहे हैं, वो कमांड परफॉर्म कर रहा है, तो एक टाइम पे एक ही काम को कर रहा है, तो उसे हम
कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहेंगे। जैसे हम एक टाइम पे एक कमांड लिखा, वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरा कमांड लिखेंगे, फिर दूसरा एग्जीक्यूट होगा। तो हमने जो भी कमांड काम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, वो सब कुछ अगर हम कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर कर रहे हैं, लिख लिख के काम कर रहे हैं, तो उसे हम CUI यूज़र इंटरफेस कहेंगे। क्योंकि यूज़र जो है वो कैरेक्टर के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है कंप्यूटर से, इसलिए उसे हम कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस या कमांड यूज़र इंटरफेस भी कह सकते हैं। ग्राफिकल यूज़र की बात करें तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है, इसमें ग्राफ के थ्रू यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के थ्रू। ग्राफ या आइकन भी हम बोलते हैं। जैसे भी आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपके डेस्कटॉप पे साइड में, लेफ्ट साइड में छोटे छोटे बहुत सारे ग्राफ दिखते हैं, फोटो दिखते हैं, उसे हम आइकन भी कहते हैं। ठीक है, हम आइकन भी समझेंगे कि आइकन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेस्कटॉप है क्या। व्हाट इज़ डेस्कटॉप? तो द डेस्कटॉप इज़ अ वर्किंग एरिया ऑफ विंडोज़, यानी कि विंडोज़ का जो वर्किंग एरिया है, जहाँ विंडोज़ अपना टास्क परफॉर्म करता है, उस एरिया को हम डेस्कटॉप कहते हैं। वेयर यू वर्क इज कॉल्ड डेस्कटॉप, जहाँ पे एप्लीकेशन ओपन होता है और हम एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे होते हैं, तो वो जो एरिया ओपन होता है, जो फ्रंट पेज होता है, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन यूज़र इंटरफेस ऑफ विंडोज़ 10, यानी कि विंडोज़ जो भी वर्जन है, तो विंडोज़ का जो मेन यूज़र इंटरफेस है, यानी कि यूज़र सबसे पहले कहाँ इंटरेक्ट कर रहा है, तो डेस्कटॉप पे ही इंटरेक्ट करता है। उसके बाद जो भी उसको एप्लीकेशन ऑन करना होगा वो ऑन करेगा, फिर उस पर आगे परफॉर्म करेगा, जो भी टास्क करना है वो अपना काम को करेगा, बट सबसे पहले तो वो डेस्कटॉप पे ही इंटरेक्ट करता है, उसी से पहले इंटरफेस मिलता है, इसलिए विंडोज़ इनका इंटरफेस हम डेस्कटॉप को भी कह सकते हैं। विंडोज़ यूज़ योर होल स्क्रीन इन अ वे दैट इज़ सिमिलर टू दैट वे यू यूज़ द टॉप ऑफ द डेस्क। यहाँ पे ये लाइन ये बता रहा है कि विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये स्क्रीन को, पूरे स्क्रीन को यूज़ करता है। जैसे कि किसी डेस्क के ऊपर का जो हिस्सा होता है, वो उस पूरे हिस्से को हम यूज़ करते हैं, उस पर हम कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं, तो उसी तरह से हमारा जो डिस्प्ले है, इस पर जितना विंडो की साइज है, हम पूरे होल स्क्रीन को यूज करता है, इसलिए इसे डेस्कटॉप कहा जाता है। कि डेस्क की जो ऊपर की हिस्सा है, जैसे हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी पूरे होल स्क्रीन को यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। एज यू वर्क इन विंडोज़ यू मूव आइटम ऑन द डेस्क, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, उस एप्लीकेशन का जो विंडो है, उस विंडो को आप पूरे स्क्रीन में कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने MS Paint भी ओपन कर लिया, कैलकुलेटर भी ओपन कर लिया, नोटपैड भी ओपन कर लिया, एक टाइम पे हमने बहुत सारे काम को करना है, तो हमने बहुत सारे एप्लीकेशन ऑन कर लिए हैं, तो हम सभी को एक साथ अलग अलग जगह पे मूव कर सकते हैं। इन सबको अभी हम प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा देंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की नहीं है, हम इन सभी को अच्छे से दिखाएंगे, आपको सारा डाउट क्लियर कर देंगे। अभी थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं इसे मैं बता दूं। योर विंडोज डेस्कटॉप इज एक्चुअली अ फोल्डर विच इज अलाउज ओपन अक्रॉस अ स्क्रीन। यहाँ पे कह रहा है कि विंडोज का जो डेस्कटॉप है, एक्चुअली में वो एक फोल्डर है। जो भी आप स्क्रीन पे, जो भी आइकन कह लो, फाइल रख लो, जो कुछ भी आपने डेस्कटॉप पे रखा है, वो सब फोल्डर के अंदर आपको दिखाई देगा। हम इस फोल्डर को भी आपको दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं आइकन की। आइकन क्या होता है? तो आइकन एक छोटे छोटे ग्राफ को हम आइकन कहते हैं। एंड आइकन इज़ अ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दैट शो अ प्रोग्राम और फाइल ऑन योर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जो भी फाइल दिख रहा है, जो भी फोल्डर दिख रहा है या प्रोग्राम दिख रहा है, जो कुछ भी फोटो आपको दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, उन सभी ग्राफ को आइकन कहा जाता है। अब आइकन का भी बहुत सारा टाइप होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिम्बोलिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम और फाइल। आइकन क्या होता है? तो फाइल और प्रोग्राम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने फाइल और प्रोग्राम को, उसे हम आइकन कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आइकन। अब उन सारे प्रोग्राम और फाइल का जो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है, उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सिस्टम आइकन, सेकेंड जो है शॉर्टकट आइकन, थर्ड जो है प्रोग्राम फाइल फोल्डर आइकन।
सिस्टम आइकन में वो आइकन आते हैं जो सिस्टम खुद ब खुद क्रिएट करता है, जैसे कि माय कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, यूज़र फाइल और कंट्रोल पैनल। ये जो पांच आइकन होते हैं ये सिस्टम द्वारा खुद ब खुद बनाए जाते हैं, इसे हम ना डिलीट कर सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। ये खुद विंडोज जो है वो खुद क्रिएट करता है और डेस्कटॉप पे रहता है, उसे हम खुद मैनेज कर सकते हैं, उसको लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, बट डिलीट नहीं कर सकते। शॉर्टकट आइकन क्या होता है, तो अगर कोई फाइल और प्रोग्राम कहीं दूसरे लोकेशन पे है, हम उसका एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम शॉर्टकट आइकन का यूज़ करेंगे। शॉर्टकट आइकन की पहचान क्या होती है, तो जो आइकन होगा डेस्कटॉप पे उसके लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे, यानी कि नीचे लेफ्ट साइड में छोटा सा एरो का निशान दिखाई देगा आपको। प्रोग्राम फाइल फोल्डर आइकन, यानी कि डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बना हुआ है तो उसको हम फोल्डर आइकन कहेंगे। कोई फाइल सेव है, ओरिजिनल फाइल सेव है, तो उसे हम फाइल आइकन कहेंगे। अगर कोई प्रोग्राम है यानी कोई सॉफ्टवेयर है तो उसे हम प्रोग्राम आइकन कहेंगे। फाइल क्या होता है, फाइल हम समझते हैं, तो फाइल जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वैसे ही ये भी फाइल है, बट ये वर्चुअली है यानी कि सॉफ्ट कॉपी में है। अ फाइल इज अ प्लेस वेयर वी स्टोर आवर इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक। किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे हम अपने डेटा, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को जहाँ स्टोर करके रखते हैं उसको हम फाइल कहते हैं, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली यूज़ भी करते होंगे अपने रियल लाइफ में, जो यूज़ करते हैं अपने सारा डेटा को, अपने सारा डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में रखते होंगे और उस फाइल को किसी घर में रखते होंगे, तो वो भी एक फाइल है जहां अपने डॉक्यूमेंट को उस फाइल में स्टोर करके रखते हैं, अपने डेटा और इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित जहाँ रखते हैं उस जगह को हम फाइल कहते हैं। और फाइल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। फाइल का जो नेमिंग होता है, ये नेमिंग को दो पार्ट में सेपरेट किया गया है, एक होता है प्राइमरी नेम एंड दूसरा जो होता है वो है सेकेंडरी नेम। जैसे कि ह्यूमन नेम की बात करें तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक नाम जिसके नाम से वो जाना जाता है, और जो सेकंड नेम होता है, जो उसका सरनेम होता है, जो उसके विरासत से मिलता है, वो उसका सरनेम होता है। तो सरनेम उसके नेचर को, उसके कैटेगरी को बताता है, और जो प्राइमरी नेम है जिसके नाम से वो जाना जाता है कि इस पर्सन का नाम ये है, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ फाइल के नाम में भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी नेम जिसके नाम से वो फाइल पहचाना जाता है कि इस फाइल का नाम क्या है, एंड सेकेंडरी नेम यानी कि उस फाइल का टाइप क्या है, वो किस टाइप का फाइल है, उसका नेचर कैसा होगा, इसमें क्या डेटा होगा, ये सब कुछ हम उसके सेकेंडरी नेम को देख के ही बता सकते हैं कि इस फाइल में किस टाइप का डेटा भरा होगा। सेकेंडरी नेम इंडिकेट द नेचर ऑफ द फाइल, यानी कि फाइल का कैसा नेचर है, क्या फाइल है, उसमें कैसा डेटा होगा, हम ये सब बता सकते हैं। और एक चीज़ है कि जो सेकेंडरी नेम है वो मैक्सिमम 3 or 4 कैरेक्टर का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही शॉर्ट में ही होता है। और जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट डॉट से होता है, यानी कि ये एंड में होता है, प्राइमरी नेम के बाद डॉट होता है, डॉट के बाद का जो नेम होता है उसे हम सेकेंडरी नेम कहते हैं। और सेकेंडरी नेम का एक दूसरा नाम भी है जो बहुत ही पॉपुलर है, जिसे हम एक्सटेंशन नेम कहते हैं, फाइल का एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम मीन्स कि उस फाइल का क्या टाइप है ये पूछा जा रहा है। तो एग्ज़ाम में एक्सटेंशन नेम अक्सर पूछे जाते हैं कि किस फाइल का, किस एप्लीकेशन का, जैसे कि नोटपैड की बात करें तो नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होगा, एमएस पेंट का एक्सटेंशन क्या होगा, अगर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन होगा, यानी कि एमएस वर्ड से जो फाइल बन के तैयार होगा उस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, तो इस टाइप के एक्सटेंशन नेम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल में कुछ एक्सटेंशन नेम लिख रखे हैं, जैसे .mp3। mp3 का नाम सुनते ही हम ये बता सकते हैं कि फाइल कोई सा भी हो, उस फाइल में ऑडियो सॉन्ग रखा होगा, ठीक है, ऑडियो फाइल है। mp3 एक ऑडियो फाइल है, उसमें ऑडियो ही होगा, कोई वीडियो फाइल नहीं होगा, कोई इमेज नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, इतना तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये mp3 है, तो mp3 का मतलब है कि इसमें कोई ऑडियो होगा। अगर mp4 की बात करें तो mp4 एक वीडियो फाइल है। jpeg जो है ये एक इमेज की फाइल है, यानी कि इस फाइल में कोई ना कोई इमेज होगा।
.txt की बात करें तो .txt जो है ये एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें कोई टेक्स्ट लिखा होगा, नॉर्मल टेक्स्ट लिखा होगा, ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं किया होगा, उसमें कोई फ़ोटो वगैरह यूज़ नहीं किया गया होगा, उसमें कोई कलर यूज़ नहीं किया गया होगा, नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, उस फाइल को हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं। .exe फाइल, exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो विंडोज़ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इसका जो सॉफ्टवेयर होता है, अगर हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम exe होता है, यानी कि विंडोज़ का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा उसको हम exe फाइल कहते हैं। यानी कि आपको कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा वो exe होना चाहिए, अगर exe फाइल नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर MS Windows ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे एक्सटेंशन नेम मिल जाते हैं, जैसा फाइल होगा वैसा एक्सटेंशन नेम होगा। अगर Android की बात करें तो वहाँ पे होता है APK फाइल, जिसे ऐप हम बोलते हैं फ़ोन का, उस फ़ोन का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो APK होता है, यानी Android पैकेज किट, APK का फुल फॉर्म है। अब हम बात करते हैं फोल्डर की, फोल्डर क्या होता है, तो जहाँ हम फाइल को कलेक्ट करके रखते हैं उस लोकेशन को हम फोल्डर कहते हैं, फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल। इट इज़ अ प्लेस वेयर वी स्टोर आवर फाइल, जहाँ हम अपने सारे फाइल को स्टोर करके रखते हैं उस जगह को हम फोल्डर कहते हैं। फोल्डर एक सूटकेस की तरह होता है, जहाँ हम किसी भी टाइप के फाइल को स्टोर करके रख सकते हैं। फाइल के केस में क्या था कि हम किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे ही उससे रिलेटेड डेटा को हम एक फाइल में रख सकते हैं, लेकिन फोल्डर में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो फाइल है हम उन सभी को स्टोर करके रख सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, फोल्डर कैसे क्रिएट किया जाए, तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए दो मेथड है। पहला कि जहाँ भी आप फोल्डर बनाना चाहते हैं वहाँ पर राइट क्लिक करें, फिर न्यू ऑप्शन आपको दिखाई देगा और उस न्यू पे आप जैसे ही जाएंगे तो एक सब मेनू ओपन होगा। मेनू के अंदर जो मेनू ओपन होता है उसे सब मेनू कहते हैं, तो आप न्यू पे जाएंगे तो सब मेनू ओपन होगा और उस सब मेनू में सबसे टॉप पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा फोल्डर नाम का, और उस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और सेकंड मेथड जो है वो है शॉर्टकट मेथड, हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे जिस भी लोकेशन पे आपको फोल्डर बनाना हो, किसी डेस्कटॉप पे या लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, कहीं भी आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो आप उस लोकेशन पर जाएं और वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे, यानी कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्लस एन बटन, फिर एक नई फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आइए अब हम इन सब का प्रैक्टिकली देखते हैं, तो हम यहाँ से अपना डेस्कटॉप दिखा देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये है मेन इंटरफेस विंडोज़ 10 का, ठीक है। यहाँ जो आपको थीम दिख रहा है ये सब कुछ क्या है, तो विंडोज़ 10 का दिख रहा है। और यहाँ पे जितने भी आपको छोटे छोटे फ़ोटो दिख रहे हैं, ग्राफ दिख रहे हैं, इसे हम आइकन कहते हैं। आप यहाँ देखें ये जितने भी आपको दिख रहे हैं फ़ोटो, ग्राफ, ये सब कुछ क्या कहलाते हैं, आइकन कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें ये है आपका सिस्टम आइकन कहलाएगा, अगर ये फोल्डर है तो फोल्डर आइकन कहलाएगा, और यहाँ पे फाइल रखा हुआ है, एक्सेल का फाइल है, तो ये फाइल आइकन कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, तो छोटा सा एरो की दिख रहा है, तो जिसमें एरो की दिख रहा है ये सब क्या कहलाता है, शॉर्टकट आइकन। इसका मेन फाइल है मगर उन सब का शॉर्टकट यहाँ पे बना के रखा हुआ है, यहाँ से डायरेक्टली ओपन करने के लिए ये सब क्या कहलाएंगे, शॉर्टकट आइकन कहलाएंगे। यहाँ आप देखेंगे सबके छोटा छोटा एरो निशान है, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे कि जो और मैं आपको दिखा दूँ सिस्टम आइकन, और भी बहुत सारे सिस्टम आइकन होते हैं, तो सिस्टम आइकन को मैं दिखा देता हूँ। उसके लिए राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे और यहाँ आएंगे पर्सनलाइज में, ठीक है। पर्सनलाइज जो ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये हमारा सेटिंग वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पे थीम सेलेक्ट करने के लिए आता है, आप यहाँ से और कोई अदर बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं डेस्कटॉप पे तो वो भी आप लगा सकते हैं।
ठीक है। और हम ये बात करें आइकन की, तो हम यहाँ से विंडोज़ 10 का ये सेटिंग ओपन हुआ है, सिलेबस में आपको 10 ही पढ़ना है, इसलिए 10 को ही हम लेके चल रहे हैं। तो विंडोज़ 10 की ये सेटिंग है, जहाँ पे अगर हमें आइकन के बारे में जानकारी देखना है तो हम थीम पे क्लिक करेंगे। थीम पे आने के बाद यहाँ से हम चेक करेंगे, क्लिक करेंगे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि आइकन वाला लिस्ट ओपन हो चुका है। और यहाँ देखिए कंप्यूटर, यूज़र फाइल, नेटवर्क, रिसाइकल बिन एंड कंट्रोल पैनल, 5 टाइप के यहाँ पे सिस्टम आइकन आपको दिखाई देंगे। जिसको भी आप अपने डेस्कटॉप पे दिखना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उसको यहाँ से चेक करना होगा, ठीक है। जिसको आप चेक करोगे वो वहाँ डेस्कटॉप पे आइकन दिखाई देने लगेगा। अभी केवल रिसाइकल बिन चेक किया गया है, यानी कि हमारे डेस्कटॉप पे अभी केवल और केवल रिसाइकल बिन दिख रहा है और कोई अदर नहीं दिख रहा है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो दिस पीसी है ये भी डेस्कटॉप पे दिखाई दे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को चेक करना पड़ेगा। आइए हम इसको करके भी देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे चेक कर दिया, चेक करने के बाद हम ओके करते हैं, तो ओके करिए। अब इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, तो यहाँ आप देखिए कि दिस पीसी यहाँ पे अपीयर हो चुका है, ठीक है। तो ये सिस्टम आइकन है जो कि यहाँ पे अपीयर हो चुका है। ये विंडोज़ के द्वारा ही बनता है, इसे हम ना डिलीट कर सकते हैं, केवल और केवल हम इसे छुपा सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं और फिर से हम इसे ला भी सकते हैं। तो ये था सिस्टम आइकन, जो कि 5 आइकन होते हैं। और शॉर्टकट आइकन वो आइकन होता है जिसके नीचे छोटा सा एरो लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि शॉर्टकट आइकन हम अगर खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि नोटपैड है, नोटपैड को हम बार बार ओपन करना चाहते हैं, तो उसका हम शॉर्टकट की लगाना चाहते हैं। तो यहाँ विंडोज़ पे आएंगे और यहाँ ये जो आपको लुक दिख रहा है, इसे हम सर्च बॉक्स या फिर स्टार्ट मेनू भी कहते हैं, या लॉन्चर भी कोई बोला जाता है। यहाँ से हम किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, ये विंडोज़ का लॉन्चर है। यहाँ से हम किसी भी टाइप को, किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं, स्लीप मोड कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं और फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर को ही हम माई कंप्यूटर या दिस पीसी कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे दिस पीसी पे आएंगे तो ये सारा लोकल डिस्क डीसी सब ओपन हो रहा है, ठीक है। तो हम शॉर्टकट की बनाना बता रहे थे, तो हम यहाँ से जाएंगे नोटपैड को सर्च करेंगे। यहाँ से हम नोटपैड सर्च कर लेते हैं, यहाँ हमने लिख दिया नोटपैड। यहाँ आप देखिए नोटपैड आ चुका है। अब यहाँ राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन पे जाएंगे, जहाँ भी इसका लोकेशन होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ देखिए एक यहाँ शॉर्टकट बना हुआ है, हम इसको सेंड टू डेस्कटॉप करेंगे, ठीक है। सेंड टू डेस्कटॉप जैसे ही हमने किया और इसे हम क्लोज करते हैं, आप देखिए यहाँ पे नोटपैड का आ चुका है, ठीक है। यहाँ आप देखिए नोटपैड का एक शॉर्टकट की बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। एक और मेथड है शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए, राइट क्लिक करके और न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद हम यहाँ से शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं और यहीं से हम फोल्डर को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई फोल्डर बनाना है तो फोल्डर बनाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, सब मेनू ओपन हो चुका है और यहाँ से हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू फोल्डर आ गया है। अब न्यू फोल्डर को आप रीनेम कर लीजिए, जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था तरीका फोल्डर बनाने का। और मैं एक शॉर्टकट की जो मैंने बताया था उसके मदद से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल्स प्लस शिफ्ट प्लस एन। जैसे हमने किया, आप देखेंगे डेस्कटॉप पे एक और फोल्डर बन के तैयार हो चुका है। आप रीनेम कर सकते हैं फोल्डर का, जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है फोल्डर तैयार करने की। और हम बात करते हैं फाइल की, फाइल कैसे तैयार होता है। तो अगर हम नोटपैड में काम कर रहे हैं, यहाँ से हम नोटपैड स्टार्ट कर लेते हैं, तो नोटपैड में हम कोई भी काम कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट फाइल, ठीक है। हमने एक कुछ टेस्ट डेटा लिख लिया, डेटा लिखने के बाद इसे हम सेव करते हैं। सेव करते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ सेव कर रहे हैं। तो हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, डेस्कटॉप पे देखिए आप यहाँ से डेस्कटॉप पे ही सेव हो रहा है, इसका ये लोकेशन है। और किस नाम से सेव हो रहा है, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, फाइल का नाम होगा डेमो
demo.txt, ठीक है, हम डेमो लिखकर यहाँ से डेमो और सेव करते हैं। तो सेव करते ही आप देखेंगे तो फाइल का नाम demo.txt आ चुका है, demo.txt, ठीक है। और अब हम इसे क्लोज करते हैं और यहाँ देखते हैं, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि एक demo.txt नाम का फाइल बन चुका है। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं तो जो मैंने वहाँ लिखा था दिस इज़ फर्स्ट फाइल, वो चीज़ इसमें आ चुका है। तो ये ऐसे फाइल बनता है। अब MS Word में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको सेव करेंगे तो वो MS Word का फाइल कहलाएगा। और एक चीज़ और आप ध्यान रखें, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये जो है ये नोटपैड का आइकन हो गया, ठीक है, फाइल आइकन। और यहाँ इस फाइल का नाम है, और नाम को आप देखेंगे तो नाम दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ डॉट है, डॉट के पहले जो है डेमो, यानी कि इस फाइल का नाम क्या हो गया डेमो, और इसका एक्सटेंशन नेम क्या हो गया .txt। txt का मतलब हो गया कि ये टेक्स्ट फाइल है, यानी कि इसमें जो डेटा होगा वो टेक्स्ट फाइल होगा। तो ये एक्सटेंशन नेम है, एक्सटेंशन नेम मैंने नहीं लिखा, केवल डेमो लिखकर सेव कर दिया था। तो txt जो है वो ऑटोमेटिक ले लिया, txt ऑटोमेटिक इसलिए ले लिया क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड का फाइल है, इसलिए .txt ले लिया। अगर यहाँ ऊपर जस्ट दूसरे फाइल को आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है dm student data .xlsx। तो यहाँ xlsx जो है वो MS Excel फाइल का एक्सटेंशन है, और DM student data जो है ये फाइल का प्राइमरी नेम है, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी और भी दूसरे फाइल को आप देख सकते हैं। दूसरे फाइल को मैं दिखा दूं, और ये जो फाइल है इसके तो आइकन से ही पता चल रहा है कि ये PDF टाइप का फाइल है, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे ये docx जो है ये MS Word का फाइल है, ये MS Word का आइकन हो गया, और यहाँ पे प्राइमरी नेम डेमो हो गया और सेकेंडरी नेम .docx हो गया। docx का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन, ठीक है। तो फाइल के टाइप को ही हम देख के, एक्सटेंशन नेम को ही देख के बता सकते हैं कि इसमें कैसा फाइल होगा। आई होप कि आपको फाइल और इसके नेमिंग रूल्स और फोल्डर आइकन इन सब का डाउट क्लियर हो चुका होगा। और ये जो पूरा स्क्रीन आपको देख रहा है इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, जो MS विंडोज़ की वर्किंग एरिया है। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ जो नीचे जो ब्लैक पट्टी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ देखिए ये जो नीचे वाली जो लाइनिंग दिख रहा है इसे हम टास्क बार कहते हैं, ठीक है। ये जो हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा है, इसे हम टास्क बार कहते हैं, ठीक है। ये पूरे पट्टी को हम टास्क बार कहते हैं। और यहाँ टास्क बार में क्या होता है, सबसे पहले जो होता है वो होता है स्टार्ट बटन, ठीक है, ये होता है स्टार्ट बटन। यहाँ से हम कोई भी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ ये जो हिस्सा है ये है सर्च करने के लिए, किसी एप्लीकेशन को आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका नाम आप लिखेंगे, वो फाइल आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ कहीं भी होगा उसे सर्च करेगा। जैसे कि हम कैलकुलेटर ओपन करना चाहते हैं तो हमने अभी लिखा ही है कि यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपको सर्च करना है वो आप यहाँ से इजीली सर्च कर सकते हैं। और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये जो हिस्सा है इसे टूल बार कहते हैं, ठीक है। इसे टूल बार इसलिए कहा जाता है ताकि जो भी आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले सॉफ्टवेयर है उसे इस टूल बार में हम स्टोर करके रख सकते हैं, बार बार इसको यूज़ करते हैं। और टूल बार के जस्ट साइड में यहाँ जो है ये जो होता है इसे हम टास्क बटन बोलते हैं, यानी कि जो करेंटली में टास्क ओपन है वहाँ पे नीचे अंडरलाइन दिख रहा है ये सारे टास्क अभी करंट में ओपन है, तो इसे टास्क बटन कहते हैं। जैसे ही हम इस टास्क बटन पे क्लिक करते हैं वो ओपन हो जाता है। जैसे हम नोटपैड पे क्लिक किए तो यह नोटपैड ओपन हो चुका है, सेटिंग पे हमने अभी ओपन किया था तो ये सेटिंग ओपन हो गया। तो ये करंट में जो एप्लीकेशन चल रहा होता है, जो टास्क चल रहा होता है, उसका यहाँ पे एक बटन बन जाता है।
ठीक है। और यहाँ आप सबसे राइट साइड में देखेंगे तो ये होता है नोटिफिकेशन एरिया, जो कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी नोटिफिकेशन होता है वो इस साइड पे दिखाता है। यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम दिखा देगा और यहाँ पे देखिए बहुत सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। टूल्स मिल जाएंगे ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए, एरोप्लेन मोड करने के लिए, बहुत सारे सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसे हम एक्शन सेंटर भी कहते हैं। आपने सिस्टम में कोई भी एक्शन लेना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके राइट साइड में आप वॉल्यूम वाला बटन है, जहाँ से आप अपने सिस्टम की वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर नेटवर्क वाला है, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क है, वाईफाई है, तो ये यहाँ पे दिखाई देगा कि नेटवर्क अवेलेबल है, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बैटरी की इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कितनी बैटरी है, क्या ये अभी चार्जिंग पे है, नहीं है, ये सारे डिटेल्स यहाँ से दिख जाते हैं यहाँ पे। और एक छोटा सा बॉक्स है, और भी कोई अदर टास्क है जो कोई सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में अवेलेबल है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप की पूरा इंट्रोडक्शन हो चुका है, किसे क्या कहते हैं ये भी हमने देख लिया है। और दिस पीसी मीन्स कि आपका एक्सप्लोरर हो गया, जिस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका पूरा हार्ड डिस्क वाला पार्ट ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप किसी भी ड्राइव में जा सकते हैं, अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया MS विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, और ये सभी इसका लॉन्चर और इसका डेस्कटॉप सब कुछ हमने आपको दिखा दिया, नोटिफिकेशन एरिया, और नीचे जो है ये टास्क बार है, इसे कैसे मैनेज करना है ये भी हमने बता दिया। और एक चीज़ कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यहाँ अटैच करना चाहते हैं टूल बार में, तो वो कैसे करेंगे, तो उसको पिन किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर नोटपैड करते हैं और नोटपैड पे हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए पिन टू स्टार्ट एंड पिन टू टास्क बार, तो हमने पिन टू टास्क बार करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे टास्क बार में पिन हो चुका है। जैसे कि ये जो हमारा सॉफ्ट एप्लीकेशन, इसे हम क्लोज करेंगे, डोंट सेव किए, फिर भी ये यहीं पे है, ठीक है। लेकिन जैसे ये सेटिंग वाला, इसे हमने क्लोज किया, आप देखेंगे यहाँ से सेटिंग गायब हो चुका। अब ये जो नोटपैड है ये यहाँ पे पिन हो चुका है, इसे अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, फिर क्लोज करेंगे तो ये यहाँ से गायब नहीं होगा, ये यहीं पे रहेगा, क्योंकि इसे हमने पिन कर दिया है। तो इस तरह से हम एक और शॉर्टकट की बना सकते हैं, शॉर्टकट बना सकते हैं, शॉर्टकट मेथड बोलेंगे, की नहीं बोलेंगे, और इसके मदद से भी हम काम को इजी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसे हटाना है तो फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है अनपिन द प्रोग्राम ऑफ टास्क बार, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनपिन हो जाएगा, नोटपैड का प्रोग्राम टास्क बार से अनपिन हो चुका है, ठीक है। अगर इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस मीन्स कि GUI इंटरफेस, तो ये जितने भी टास्क आपको दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जितने ग्राफिक्स, जैसे हमें नोटपैड ही ओपन करना है तो हमने इस नोटपैड वाले फ़ोटो पे क्लिक किया, नोटपैड ओपन हो गया। तो ये जो तरीका है हमें कंप्यूटर को टास्क देने का, जो कि हम माउस से काम करवा रहे हैं, ये ग्राफिकल मेथड हो गया। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या होता है, तो हम उसका एक डेमो दिखा देते हैं। एक्चुअली में हमारे कंप्यूटर विंडोज़ में एक एप्लीकेशन है कमांड प्रॉम्प्ट, जिसे CMD भी कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट इसका नाम है। और हमने इसको जैसे ओपन किया तो ये MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की तरह होता है, ये एक एप्लीकेशन की तरह है, आप इसे एप्लीकेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लैक स्क्रीन आ चुका है, जिस पे आप कोई भी कमांड रन कराएंगे तो वही काम करेगा। जैसे कि अभी मान लीजिए कि हमें नोटपैड ओपन करना है, तो हम यहाँ से नोटपैड टाइप करके एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए नोटपैड ओपन हो चुका है, ठीक है। तो हमें कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है कंप्यूटर से, तो उसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा। अगर हमें कंप्यूटर शटडाउन भी करना होगा तो हमें यहाँ पे शटडाउन कमांड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें इस एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो इसके लिए हमें एग्जिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जिट करके जैसे हमने एंटर किया तो ये बंद हो गया, यानी कि कोई भी आपको टास्क परफॉर्म कराना है तो उसके लिए आपको कमांड लिखना पड़ेगा, इसलिए उसे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहते हैं। बट हमारा जो विंडोज़ है ये एक्चुअली में GUI बेस्ड है, टोटली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, हम यहाँ पर कोई भी काम करेंगे तो ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देखिए ये सारा क्या है, तो ग्राफ ही तो बने हुए हैं। अब जिससे जैसे कि हमें एम एस एक्सेल ओपन करना है, तो हमने इस एम एस एक्सेल वाले क्लिक किया तो एम एस एक्सेल ओपन हो गया, हमने ये क्रॉस वाले फोटो पे जैसे क्लिक किया तो ये क्लोज हो गया। तो सारा काम ग्राफ के थ्रू हो रहा है, एक इमेज के थ्रू हो रहा है, तो इसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, विंडोज से रिलेटेड। और एक चीज़ और है, जैसे कि टाइम की सेटिंग करना, हमें टाइम अगर चेंज करना है, सेटिंग करनी है, तो वो सब हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसकी सेटिंग थोड़ी सी बच रही है, ये भी सिलेबस में है, तो उसको भी हम बता देते हैं। और माउस की सेटिंग भी है, इन सारे सेटिंग्स को भी हम आज कवर ही कर लेते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे, जैसे कि हमने पहले गए थे पर्सनलाइज में जाएंगे, और यहाँ थीम को सिलेक्ट करेंगे। थीम को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ माउस पॉइंटर सेटिंग आ रहा है, तो माउस पॉइंटर के मदद से आप अपने माउस को सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे बटन्स हैं, तो बटन्स में अगर माउस के लेफ्ट बटन को राइट बनाना है, राइट बटन को लेफ्ट बटन की तरह ट्रीट करवाना है, तो उसके लिए इस बटन को आप चेक करोगे तो माउस का जो लेफ़्ट बटन है वो राइट बटन बन जाएगा। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई पर्सन लेफ्ट हैंडेड है, यानी कि लेफ्ट हैंड से वर्क करने वाला है, अपने माउस को लेफ्ट हैंड से यूज़ कर रहा है, तो उस केस में हम बटन को, बटन का जो फंक्शन है, वर्किंग है, उसे हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। अगर आप राइट हैंड से चलाते हैं तो उसके लिए आपको अनचेक ही करने रखना है, अनचेक ही रखना है, ठीक है। यहाँ है आप स्पीड, कितना स्पीड कराना है, डबल क्लिक का स्पीड आप यहाँ से शो कराओगे कि कितना ज़्यादा स्पीड से आप डबल क्लिक करते हो, ठीक है। तो ये डबल क्लिक के लिए, जितना जल्दी आप डबल क्लिक यूज़ करते हो उसके हिसाब से यहाँ से स्पीड मैनेज कर सकते हो। अगर आप बहुत स्लो डबल क्लिक करते हो तो इसे आप स्लो में कर लो, ठीक रहेगा। किसी किसी पर्सन को डबल क्लिक करने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, बहुत स्लो डबल क्लिक करते हैं, तो उस पर्सन के लिए आप यहाँ से डबल क्लिक का जो ऑप्शन है इसे आप स्लो कर लो, मैंने तो मीडियम कर लिया। और नेक्स्ट में आप देखेंगे माउस का जो पॉइंटर है, आप किस टाइप का माउस का पॉइंटर दिखाना चाहते हैं। तो अभी जो हमारा नॉर्मल सिलेक्टेड है, पहला वाला नॉर्मल सिलेक्टेड, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ जो इमेज है, ठीक वैसे ही हमारा जो माउस पॉइंटर है वो है। अगर इनमें से कोई आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हैंड वाला लगाना चाहते हैं तो हैंड वाला लगा सकते हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे सिंबल है, कैसे यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। आगे जो है ये है आपका जो माउस का जो ये मूवमेंट है, कितने की स्पीड से मूव कर रहा है वो है। जैसे कि हमने इसे स्लो कर दिया, अब देखिए जो हमारा माउस है ये बहुत ही स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे फास्ट कर देता हूँ, अब देखिए ये बहुत ही फास्ट मूव होने लगा, ठीक है। तो आप कैसे ऑपरेट कर रहे हो अपने माउस को, उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो जैसे माउस पॉइंटर मूव करेगा, उसके पीछे पीछे इसका पॉइंटर भी मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आप करना चाहते हैं सेटिंग तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप हटा सकते हैं। और यहाँ पर है लास्ट वाला जो है, ये है कंट्रोल बटन। जैसे कि कंट्रोल बटन आप प्रेस करोगे तो ये इसकी लोकेशन बताएगा। कभी कभी क्या होता है कि माउस पॉइंटर खो जाता है, हमें ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो जाते हैं, हमें दिखता ही नहीं है कि कहाँ है। तो उस केस में क्या करेंगे कि हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तो वो माउस पॉइंटर की लोकेशन बताएगा कि कहाँ अभी छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये माउस पॉइंटर है और हमने इसको चेकआउट कर दिया तो ये अब नहीं आएगा, लेकिन करने के बाद इसे कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से दिखाई देगा। ये है हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे तो टेक्स्ट के ऊपर ये हाइड हो जाएगा, बाकी ये वैसे नॉर्मली दिखाई देगा, और ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो और नेक्स्ट जो है ये है व्हील, यानी कि जो आपका माउस का जो बीच वाला बटन होता है स्क्रॉल बटन, उसके लिए है हार्डवेयर। तो यहाँ से कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। मैं, मुझे कोई सेटिंग नहीं करना है इसलिए मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। अगर आपको कोई सेटिंग करना हो तो सेटिंग करके आप यहाँ से अप्लाई या ओके कर सकते हैं, ठीक है। ओके आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ। तो ये तो था माउस की सेटिंग करने की। अब मैं टाइम सेटिंग आपको बता दूँ, तो यहाँ टाइम पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ टाइम वाला कैलेंडर ओपन हो जाएगा, डेट और टाइम दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी सेटिंग करनी है तो आप यहाँ डेट एंड टाइम सेटिंग पे आएंगे, नीचे जो दिख रहा है इसको करते ही सेटिंग डेट एंड टाइम वाली ओपन हो जाएगी।
और यहाँ जो हमारा सिलेक्टेड है सेट डेट सेट टाइम ऑटोमेटिकली इसे मैं ऑफ कर दूंगा, तो ऑफ करते ही ये चेंज वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो जो भी डेट और टाइम आपको सेट करना हो वो यहाँ से आप डेट एंड टाइम को सेटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी हो गया है विंडोज़ 10 में इसको ऑपरेट करना, इसको सेटिंग करना। विंडोज़ 7 में कुछ दूसरे मेथड होता है, बट आपके सिलेबस में विंडोज़ 10 है इसलिए मैंने इसको यूज़ करके आपको दिखाया। और यहाँ से चेंज करके आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, बट हमें तो अभी करना है नहीं क्योंकि हमारा सब कुछ सही है डेट और टाइम। अब मैं इसे कैंसिल करता हूँ और डेट एंड टाइम यहाँ पे सेटिंग हो चुका है। ये है आपका जोन की किस जोन में रहते हो, तो हम जो जिस जोन में है वो है कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से हमारा डेट एंड टाइम सेटिंग चल रहा है। अगर आप किसी दूसरे जोन में हैं तो आप उस जोन को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना जो नियरेस्ट जोन होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ है डेट और टाइम की सेटिंग्स फॉर्मेट कि कैसा आप डेट रखना चाहते हैं, वो फॉर्मेट यहाँ से आप रख सकते हैं। और भी चेंज करना है तो आप यहाँ से डेट पहले मंथ फिर ईयर, इस टाइप का अगर कुछ आप सेटिंग करना चाहते हैं कि पहले मंथ शो करे फिर ईयर शो करे फिर डे शो करे, तो वो भी आप यहाँ से आप डेट और टाइम की जो फॉर्मेटिंग है जो दिखाने वाला जो है वो आप चेंज करना चाहते हो तो उसकी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी सेटिंग आपको समझ में आ चुकी हो। तो ये चैप्टर 2 में ये कुछ सेटिंग थी और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, विंडोज़, टास्क बार, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट और इन सारे चीज़ें की जानकारी थी जो कि हमने आज चैप्टर 2 कम्प्लीट कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, जो भी आपके सहपाठी हैं जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या फिर जो ओ लेवल कोर्स करते हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, जो ट्रिपल सी करते हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, यानी बेसिक जितने भी सीखने वाले हैं बंदे हैं जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन सब से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट करें जो है www.gitansh.com और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत ही ज़्यादा लोग सीख सके, क्योंकि ये हमारा जो मोटिव है वो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल सके, हमारा जो इंडिया है वो साक्षर हो सके, डिजिटल इंडिया बन सके। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।